2020 का सबसे अच्छा डायलॉग। तो कैसे आप लोग देख के चल बे। हल्के में ले रहा दिखे नहीं तो क्या बारी मिलू। जानता कौन हूँ मैं? कौन है तू? क्या रिमिनाटी को भाई हूँ मैं। और हमारी मजा और रहा। क्या कर रहे हो भाई? भैया मेकअप कर रहा हूँ। किस लिए? टिकटॉक बनाते हैं हम। तो कैसे हैं आप लोग? ले क्रीम ले पाउडर ले ए कंघा ले कंघी ले दीदी। अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे छी 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 साला ए अनपढ़ गरीब वल्गर। अब कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो वो तो चलता है, वो तो कूल है, वो तो अमीर है, उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है। Yeah, I saw that video that Carrie Minati posted recently and I must say that it teaches all of us one of the biggest life lessons of all time, which is that there is a difference between having a fan base and having a loyal fan base. You see, having a fan base means you just have numbers on your profile, but having a loyal fan base means that there are people in this world who will come to support you no matter what happens. And that comes with years and years and years of experience, which obviously Carrie Minati has more. All right, guys, don't just focus on creating a fan base, but a loyal fan base. And that will happen when you'll connect with them from here. एक बात याद रखना कि बेटा जिंदगी लूनी टून नहीं है, ये दुनिया मतलबी थी, मतलबी है और मतलबी रहेगी। जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है, वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनकी पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 6 साल पुराना बटुआ निकालते हैं, उसमें से 500 की हरी पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। अचानक तुम्हारे बाऊजी बीच में आ जाते हैं। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बच्चा है, रखने दो। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं भाई साहब, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। अब आप इतना कह ही रहे तो इसे मैं रख लेता हूँ। चलो टिकटॉक बनाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? टिकटॉक वो क्या होता है? अच्छा कैरी पाजी, ये टिकटॉक की ना रेटिंग कम कौन करवा रहा है? हम। टिकटॉक का रोस्ट कौन कर रहा है? हम। यूट्यूबर्स का नाम रोशन कौन कर रहा है? हम। तो इसी बात पर ताड़िया। यार इसी वजह से ना मुझे पंजाबी म्यूजिक पसंद है, इट इज सो प्योर। अच्छा फिर कौन से सिंगर का गाना लगाऊं? ढिंचक पूजा का। मजाक कर रहे हो ना? हर जगह चलता है यार ये। वो चलना ही है सिद्धू मूसे वाले का जो गाना है। ऐसे कौन नाचता है? मैं नाचता हूँ। अभी तो फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे। बस करो। नाम इतना कमाओ के लोग गाली पर भी ताली बजाएं। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे भाई। हाँ। हर इंसान खूबसूरत होता है, कोई चेहरे से तो कोई दिल से। सही बोल रहे मेरे भाई, कोई ओप्पो से तो कोई वीवो से। घर से जादू दिखा दूं? दिखाते बताएगा तो नहीं किसी को। कोई तो ना बता। कई चीज दे कोई ले। काई कर ले, ले बना इसका पैसा बना दूं। बना दे ले भाई। इस चादी चांदी बनाऊं? सोना की? सोना की पक्की रही। हाँ। बता फिर, मर्द बन गया जनाना? मर्द। बकरा बन गया बकरी? बकरा। पड्डा बन गया पड्डी? पड्डा। चिड़ा बन गया चिड़ी? चिड़ा। हिजड़ा बन गया हिजड़ी? हिजड़ा। ओ भाई खेल दिखा रहा, काई कर रहा है? खेल दिखा रहा हूँ, बैठे हो तभी तो दिखाऊंगा। हिजड़ा बना रहा है यार हमने। हिजड़ा ही है तू? हम हिजड़ा है। अब मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ ना, मैं दूर से देख के बता सकता हूँ कि कौन यहाँ पहली बार आ रहा है और कौन यहाँ सदियों से आ रहा है। जो लोग सदियों से आ रहे हैं वो आराम से ऐसे एक हाथ में फोन और दूसरे में ब्रीफकेस आराम से टहल रहे हैं, चिल।
तो कैसे हैं आप लोग यार? एक यूट्यूबर ने पूरे टिकटॉक को ना हिला डाला है यार। लोग कहीं जा रहे कि यार यूट्यूब पे कैरी ने तो बोल लिया मगर टिकटॉक पे गैरी ने नहीं बोला यार। मैं ये नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है, मुझे मतलब भी नहीं है और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा काम है मोटिवेट करना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, शायरी बनाना और स्लो मोशन बनाने। वैसे उनका काम है रोस्ट करना। अगर आप बेफालतू में किसी को उंगली करोगे तो यार आगे से गाली खाओगे यार। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैरी मिनाटी सुन, तुमने बहुत मजाक उड़ा ली टिकटॉकर्स का। अबे तू कौन है, मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। यार अच्छा खासा मॉस्को जाने का प्लान कर रहा था, कैरी भाई ने वो भी कैंसिल कर दिया। हकीकत में टिकटॉक आज हिला है। इस बंदे ने सिर्फ एक वीडियो बनाया है और पॉपुलर क्रिएटर का टैग ले लिया भाई, समझ गए क्या हो रहा? तो बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ तुम्हारे संपर्क है ना वहाँ हमारे संबंध है। तेरा बाप आया। तो कैरी मिनाटी भाई सुन, अगर तुझ में दम है तो रोस्ट करना है ना मुझे कर, मुंह पे चैलेंज कर रहा हूँ खुल्ला। रोस्ट करना इतना आसान नहीं हम जैसे लोगों को, भाई थोड़ा रोस्ट कर दे, हम भी फेमस हो जाएंगे। Keep it real. कौन कहता है टिकटॉक पर पॉपुलर क्रिएटर इजीली नहीं मिलता? इस बंदे की आईडी मेंशन की हुई है, जाके देखिए, एक वीडियो डाला हुआ है और वो भी टिकटॉकर की बेइज्जती के लिए, फिर भी पॉपुलर क्रिएटर का टैग लगा हुआ है। और दूसरी बात, ये रिवॉल्वर रानी ने उससे कब पंगे लिए थे? क्या हुआ यार? हेडेक हो रहा है। कहाँ पे? भगवान है कहाँ है तू? वो आ गया। अब वो दिन आ चुका है जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना था लेकिन तुम तो सोए ही नहीं हो क्योंकि दिल में लड्डू नहीं परमाणु बम फूट रहे हैं। ठीक 1.5 घंटे बाद तुम स्कूल में हो और सबके साथ बस में बैठे हो। ड्राइवर बस का इंजन ऑन करता है और बच्चे कतई पागल, तहस नहस, हूटिंग चल रही है जैसे ड्राइवर जस्टिन बीबर हो और अपने मुंह से इंजन की आवाज निकाल रहा हो। और साला ड्राइवर भी पूरा भाव खाता है, एक बार में बस स्टार्ट नहीं करेगा ना, इंजन को बार बार ऑन ऑफ करता रहेगा जब तक बच्चे हाइप नहीं हो जाते, जब तक एक बच्चा इट्स लिट ना चिल्ला दे। आखिरकार बस चलती है। कुछ बच्चे आगे टीचर्स के साथ बैठे हैं तो कुछ बच्चे अपने हरामी दोस्तों के साथ पीछे। आगे हमेशा एक ऐसी बच्ची बैठती है जिसे टीचर्स के साथ सोशलाइज करना होता है। सर टुडेज वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल। और पूरी थूत का स्पोर्ट्स टीचर बोलता है, यस बेटा व्हाट अ, क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? टिकटॉक कोई खराब प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोग आजकल उसको बता रहे हैं। और रही बात रोस्ट की, तो अगर आप में टैलेंट है या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो आपको रोस्ट कर सके। कैरी मिनाटी की वीडियो से भाई 120% सेटिस्फाई हूँ। उसने किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया, उसने पूरी एक कैटेगरी को रोस्ट किया है जो लिपसिंग करके फालतू में ऊपर 30-30, 35-35 मिलियन, 15-15, 20-20 मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं। भाई उनके हाई वर्ड जो होते हैं ना, हाय गाइज, वो भी उनका खुद का नहीं होता, उस पर भी वो लिपसिंग करते हैं। ये मतलब लाल पीले बाल और कलरफुल कपड़े पहनते को स्टार हो गए भाई। पैसे तो बहुत है मेरे पास क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है, सलमान भाई को? बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में। तो कैसे हैं आप लोग? जब कैरी ने बोला ना सांपों से भरा हुआ है ये समंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, भाई सब ये बात दिल पे लगी थी। Let's go! एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है, मैंने आपका नमक खाया है। भाई साहब कैरी मिनाटी अब किसका नंबर लेगा बताइए। योर जब कैरी ने बोला ना
सांपों से भरा हुआ है ये समंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। भाई साहब ये बात दिल पे लगी थी। लेट्स गो। ये कहानी है जो सबको सुनानी है।